अगेन आपका फिर स्वागत है। मैं ऋतुराज कुमार, क्लास 7 साइंस लेंस, ठीक है, एंड लाइट। मैंने कुछ क्वेश्चन बता चुका था, अब कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सिर्फ लाइट का ये पता है कि लाइट बिना जिंदगी क्या है, अधूरा है, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल क्या होता है, वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक इमेज जो बनता है होम द स्क्रीन, वो स्क्रीन मतलब कि शीशा के सामने नहीं बनता, प्लेन मिरर, ठीक है, वो जब ही बनेगा तो आपका प्लेन मिरर, प्लेन शीशा के सामने, दर्पण के सामने, होम द वर्चुअल इमेज, ठीक है, होम द वर्चुअल इमेज जब ही बनेगा तो प्लेन मिरर है ना, होम द वर्चुअल इमेज, प्लेन शीशा के सामने आपका क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, मींस होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल लेंस होता है और उत्तल लेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन बिटवीन होता है, उसका डेफिनेशन लिखना है, मींस परिभाषा लिखना है। तो देखेंगे हम लोग इसमें कॉन्वेक्स होता है जो अवतल लेंस होता है, जो लेंस वाला बीच है ना, द थिक एट मिडिल, जो बीच का होता है वो पतला ही, वो पतला दिखाई पड़ता है ना, पतला दिखाई पड़ता है। सेकंड लिखा हुआ है इसका, ये लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस कैन बी फॉर्म द रियल इमेज, ठीक है, वो क्या जब भी दिखता है तो रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उसमें दिखता है। अब देखना है इसमें कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस आर थिन एट द मिडिल, थिन द एंड, ठीक है, इसमें क्या है कि लेंस दिखता है पतला दिखाई पड़ता है एट द मिडिल, बीच का भाग, ठीक है, उसमें क्या है बीच का भाग लिखा हुआ है। एंड सेकंड लिखा हुआ आपका है द कॉन्वेक्स लेंस कैन द नॉट फ्रॉम द है ना, फॉर्म द रियल इमेज, ये आपको है ना रियल वास्तविक प्रतिबिंब नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, तो गिव द वन है ना, गिव वन इमेज ईच ऑफ द कॉन्वेक्स एंड द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो अवतल है ना इसका होता है आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स अवतल होता है, ठीक है। तो डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो कान है ना, आंख ये सब चेक करने के लिए दांत, मेन रूप से इसका दांत देखने का प्रयोग होता है, डेंटिस्ट लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं किसका, तो कॉन्वेक्स अवतल मिरर का, ठीक है, अवतल दर्पण का। तो कॉन्वेक्स मिरर इज द मिरर, लेकिन कॉन्वेक्स होता है उत्तल दर्पण। आपने देखा हो गाड़ी में जो साइड मिरर होता है तो उसको लगाया जाता है, क्यों, कि उससे लार्ज बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक, जो भी गाड़ी आती है वो गाड़ी आपको बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है, उस साइड में उसका वाइड साइड दिखाई पड़ता है, ठीक है, व्हीकल्स एज आर रियल मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो व्हीकल मींस गाड़ी सवारियों में भी इसका प्रयोग होता जाता है, ठीक है। आज पूछे जाते हैं कि व्हीकल में है ना, गाड़ी में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक वगैरह और ट्रक हो, तो इसमें कौन सा दर्पण लगता है, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच द टाइप ऑफ मिरर कैन फ्रॉम रियल इमेज है ना, बीच में कौन सा दर्पण में आपका रियल वास्तविक प्रतिबिंब बनता, तो अवतल में बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10, तो 10 देखेंगे बाबू, तो लेंस है ना, क्या यही क्वेश्चन लिखा हुआ, विच टाइप्स ऑफ लेंस है ना, विच टाइप्स ऑफ लेंस फ्रॉम द ऑलरेडी वर्चुअल इमेज, तो कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन और बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, वीडियो अपलोड अच्छे से नहीं हो रही है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, अब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।